नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप देख रहे हैं चैनल शान पंजाबी और मैं हूं एमी। बॉलीवुड पॉलीवुड की चटपटी खबरों में एक और अपडेट लेकर आपके बीच हाजिर हूं। चेहरे पर एक गजब की चमक, जानदार आवाज, अद्भुत व्यक्तित्व, करोड़ों दिलों में राज करने वाले, अगर बात करें तो मैं बात कर रहा हूं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी को इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। अगर बात की जाए तो अमिताभ बच्चन का करियर शुरू हुआ फिल्म सात हिंदुस्तानी से। सात हिंदुस्तानी से उन्होंने बड़े पर्दे पर एंट्री की, लेकिन यह एंट्री कुछ फीकी सी रह गई क्योंकि फिल्म बहुत बुरी तरह फिटी। इसके बाद लगातार 12 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी और उनकी तकदीर बदली फिल्म आनंद के बाद बाबू मोशाय के साथ एक डॉक्टर का कैरेक्टर। उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई। उसके बाद 1973 में फिल्म जंजीर ने अमिताभ बच्चन का सब कुछ बदल दिया। रातों रात बन गए एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सब जानते हैं कि अमिताभ के साथ काम करने के लिए शायद ही आज का कोई सुपरस्टार हो या पहले का कोई सुपरस्टार हो जिसने ख्वाब ना देखा हो कि वह बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करे। अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन की तो दादा साहब फाल्के अवार्ड अनाउंसमेंट के बाद अमिताभ बच्चन ने खुद सोशल मीडिया पर आकर इस तरह से इजहार किया अपनी इस खुशी का। इसके बाद बधाइयों का सिलसिला रोकने का नाम नहीं लिया। अमित शाह ने भी इस पर अमिताभ बच्चन को मुबारकबाद दी और सोशल मीडिया पर कुछ ये लिखा अमिताभ के लिए। अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात की जाए तो प्रकाश जावड़ेकर ने खुद ट्विटर पर इसकी पुष्टि की, जिसके बाद सबको मालूम पड़ा कि अमिताभ बच्चन को इस साल मिलने जा रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड। वैसे अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से एक फिल्म वैसे अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्मों की सौगात दी। मैं आऊंगा फिर से लेकर कोई नया अपडेट। आप देखते रहें चैनल शान पंजाबी। और जल्दी तो जल्दी चैनल नु सब्सक्राइब कर लो ताकि थानू वधिया अपडेट्स मिलदियां रहन, ते बेल आइकन नु प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलियो। तुसी देख रहे हो चैनल शान पंजाबी, माण पंजाब दा।